इस सवाल में आपको ये अरेंजमेंट दे रखा है, आपसे कहा गया है कि C का मास मिनिमम मास कितना हो सो दैट ये सिस्टम स्लिप ना करे, ये सिस्टम मूव ना करे। तो अगर ये सिस्टम रेस्ट पर है, मतलब इस B पर नेट फोर्स जीरो है, इस पर लगने वाला नीचे की तरफ फोर्स है 5G और ऊपर की तरफ टेंशन T। ना क्योंकि ये B रेस्ट पर है, हम कह सकते हैं T इज इक्वल टू 5G यानी 50 न्यूटन। तो यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा, सेमी टेंशन है, यहाँ पे भी टी हो गया 50 न्यूटन। अब ये सिस्टम भी मूव नहीं कर रहा, तो मैं अगर ए प्लस बी को एक ही ब्लॉक मान लूँ क्योंकि मूव तो कर नहीं रहा, तो मैं बना देता हूँ ए प्लस बी। मेरे पास एक ब्लॉक है ए प्लस बी, ए प्लस बी नहीं, ए प्लस सी, ए प्लस सी। इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम, तो इस पे नीचे फोर्स लगेगा कैपिटल एम जी, ऊपर फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स एन, आगे फोर्स लगेगा टेंशन टी और पीछे फोर्स लगेगा फ्रिक्शन एफ। ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, टी इज इक्वल टू एफ, मतलब आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया टी के बराबर, मतलब 50 न्यूटन। टेंशन टी कितना है, 50 न्यूटन, बट फ्रिक्शन फोर्स तो लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल होना चाहिए, और नॉर्मल कितना है, नॉर्मल है mg के बराबर, क्योंकि y डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं हो रहा। दिस इंप्लाइज 50 इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू कैपिटल mg, दिस इंप्लाइज 50 इज लेस देन इक्वल टू म्यू है 0.2 इंटू एम इंटू जी है 10, सो 10 से ये जीरो चला गया, दिस इंप्लाइज m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 kg। तो a प्लस सी का जो मास है ये 25 kg से ज़्यादा होना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारा सिस्टम रेस्ट पे रहे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये सिस्टम रेस्ट पे रहे, तो a का मास प्लस सी का मास मस्ट बी ग्रेटर देन 25 kg। दिस इंप्लाइज a का मास कितना है, 10 kg, प्लस मास ऑफ c मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 kg। दिस इंप्लाइज मास ऑफ c मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 kg। तो c का मास अगर 15 kg से ज़्यादा है, तब तो ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, अदरवाइज ये सिस्टम रेस्ट पे नहीं रहेगा।